पर आप नेता प्रीति शर्मा मेनन का मरोल में अरशद बाबू भाई खान द्वारा भव्य स्वागत। जी हां, आपको बता दें कि 22 अप्रैल शनिवार को आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन का अंधेरी पूर्व के मरोल नाका में चांदीवली विधानसभा प्रभारी अरशद बाबू भाई खान द्वारा ईद के मौके पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि चांदीवली विधानसभा में अरशद बाबू भाई खान को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को लेकर कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसको लेकर जनता के बीच में रहना और उनकी समस्याओं को समझकर हर संभव मदद करने की कोशिश करते रहना ही अरशद बाबू भाई खान के व्यक्तित्व को लोगों में खास बनाता है। बता दें कि इस दौरान आप नेता प्रीति शर्मा मेनन ने मोदी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए जमकर निशाना साधा है। यही नहीं, आप नेता प्रीति शर्मा मेनन और अरशद बाबू भाई खान ने रमजान के अवसर पर सभी प्रिय जनता को ईद की मुबारकबाद दी है। अरशद भाई हमारे पार्टी के बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल नेता हैं और आज ईद का त्यौहार है तो मिलने मिलाने का, खाने पीने का बहुत अच्छा मौसम है, अवसर है, इसीलिए आए हैं यहाँ पे। मुंबई में हमेशा ईद हम सब लोग मिलके मनाते हैं, हम सब अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग भाई बहनों की तरह एक साथ मिलके त्यौहार मनाते हैं और मैं बस ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी ये हमारा भाईचारा, हमारी अमन शांति हमेशा बनी रहे। जैसे कि मैम आप जानती हो आज ईद है और यहाँ देखिए मैं हर धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मोहम्मदन भी हैं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात आती है तो पॉलिटिशियन हमेशा एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करते हैं, उसके बाद क्या है। आज हमारे देश में पॉलिटिक्स एक बहुत ही गलत दौर से गुजर रहा है, बहुत ही निचली स्तर पे पॉलिटिक्स चालू है, लेकिन हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान पे भरोसा रखना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने ये गारंटी दी है कि हम सब एक हैं और हम सबको अपना धर्म मनाने का, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, आम आदमी पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पचीनों पे चलती है और हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश में इतने अच्छे लोग हैं कि अच्छा ही होगा, बुराई का अंत जल्द ही होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं सबको कहना चाहती हूँ आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं और हम सब लोग मिलके हमारे देश के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए अमन शांति सुख की प्रार्थना करते हैं। भाई ये मन पर चुनाव तो ऐसा है कि दूल्हा बेचारा तैयार है घोड़ी पे बैठ के लेकिन मंडप नहीं सज रहा, तो हम तो कई साल से, 2 साल से 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं मनपा चुनाव की, हमारी पूरी तैयारी है, हम मुंबई की सारी सीटों पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आप देखो इस समय कैसी जालिम सरकार काबिज है महाराष्ट्र के सदन में कि उन्होंने मनपा चुनाव को टाल रखा है, अलग अलग बहाने लेके कोर्ट में भाग जाते हैं और चुनाव टालते रहते हैं क्योंकि उनको डर है कि मुंबई की जनता, उन्होंने जो वो उठक पटक की है, जो उन्होंने ये पन्नास खोके एकदम ओके वाला कल्चर चलाया है, उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और इसीलिए उन्होंने चुनाव रोक रखे हैं, वरना आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है, हम बीएमसी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे मैंने कहा था अरशद भाई हमारी पार्टी के बहुत ही होनहार नेता हैं और हमारी बहुत उम्मीद है उनसे, उनके परिवार, उनके मित्रजनों से, क्योंकि वो लोगों ने यहाँ पे बहुत सेवा की है, बहुत काम किया है, पैंडमिक के टाइम पे भी लोगों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, तो लोगों के बीच में एक उनके लोगों के दिलों में एक जगह है, वो लोगों के बीच के इंसान हैं, वो कहीं से पैराशूट किए हुए नेता नहीं है, वो ज़मीन से उठकर लोगों के साथ काम करने वाले नेता हैं और आम आदमी पार्टी में ऐसे ही नेताओं की हमें ज़रूरत है और इस देश को भी ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। मेरी तरफ से आपके माध्यम से सभी देशवासियों को पहले ईद की मुबारकबाद देता हूँ।
और मैं आज बहुत खुश नसीब अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि आज हमारी मैडम, मेरी बड़ी बहन, माँ बरोबर माँ सम्मान, आज मुझे ईद की डबल खुशी हो रही है। एक तो अब पार्टी में भी आया, ईमानदार पार्टी मिली है, और हमारे मुंबई के ऐसी इतनी अच्छी अध्यक्ष मिली है, ये हमारे परिवार जैसे हैं। ऐसा लगता नहीं मुझे कि मैं पार्टी में हूँ, एक परिवार लगता है कि मेरे घर के लोग हैं, मेरी बड़ी बहन जैसी है, माँ जैसे, कुछ भी रहे एनी टाइम, बहुत अच्छा लगता है। मैं इनके आदेश पे, इनके हुकुम पे, जब भी मैडम बोलेगी पार्टी के लिए काम करने के लिए, मैं दिल जान से पार्टी के साथ काम करूँगा और पार्टी की जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते 100% जिम्मेदारी निभाने की, मगर पार्टी के हिसाब से जो भी जवाबदारी मिल रही है कोशिश पूरी करते हैं, पूरा 100% उनको जवाबदारी निभाने की। कल अचानक मैडम ने बोले, मैंने फ़ोन किया, मतलब ईद का मुबारकबाद, मैडम अपना कीमती समय निकाल के आई, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके पूरी बॉम्बे टीम आई है, आम आदमी पार्टी के सभी नेता आए, सभी वार्ड अध्यक्ष आए हैं, हमारी चांदेवली की कार्य अध्यक्ष भी आई हुई है। मैं सभी का, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने घर में आके ईद में हमें ईद की मुबारकबाद दी, हमारी खुशियों में चार चांद लगाया। जय हिंद।